हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री क्वेश्चन नंबर वन गेट द एलजेबरिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट्स एंड अर्थमैटिक ऑपरेशंस गिवन क्वेश्चंस को एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है फर्स्ट पार्ट सब्टशन ऑफ जैट फ्रॉम वाई सब ट्रैक्शन का मतलब है माइनस करना फ्रॉम वाई वाई में से z को सब करना है इसका एल्जेबिक एक्सप्रेशन हो जाएगा वाई माइनस जैट का मीन्स होता है वन अपॉइन्ट टू ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई का सम करना है वन हाफ वन अपॉइंट टू इंटू सम ऑफ नंबर लिख सकते हैं हाफ एक्स प्लस हो गया द नंबर जेड मल्टीप्लाइड सेल्फ जेड का मल्टीप्लाई जेड में करना है जेड का मल्टीप्लाई जेड में करेंगे जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा फोर्थ पार्ट वन फोर्थ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू पी एंड क्यू का प्रोडक्ट करना है वन फोर्थ वन फोर्थ का मीन्स होता है वन अपॉन फोर इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू पी इंटू क्यू इसको लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पी इंटू क्यू तो ये आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट नंबर्स एक्स एंड वाई

ये आंसर हो गया सेवंथ पार्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जेड वाई एंड जेड का प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेन टेन में से प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे टेन माइनस वाई वाई इंटू जेड वाई जेड हो जाएगा ये आंसर हो गया पार्ट सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी एंड बी का सम करेंगे सम हो जाएगा ए प्लस बी फ्रॉम दर प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी करना है यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है एन टू बी ए बी में से सम को सब करना है बी आगे लिखेंगे बी माइनस सम बाद में लिखेंगे ए प्लस बी ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट पार्ट आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड दर फैक्टर्स इन द फोलोइंग एक्सप्रेशन गिव इन क्वेश्चन में ट्री डाइग्राम से फैक्टर करने हैं पार्ट एक्स माइनस थ्री इसमें टू टर्म्स है एक एक्स टर्म है और दूसरा टर्म माइनस थ्री है तो ये आंसर हो जाएगा ये ट्री डाइग्राम है बी पार्ट वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसमें थ्री टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म वन सेकेंड टर्म एक्स थर्ड टर्म एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फैक्टर हो सकते हैं एक्स इंटू एक्स सी पार्ट वाई माइनस वाई क्यू इसमें टू टर्म्स हैं। वाई एंड माइनस वाई क्यू अब वाई क्यू के फैक्टर्स करेंगे माइनस को लिख सकते हैं माइनस वन वाई क्यू है तो वाई इंटू वाई इंटू वाई तो वाई क्यू के फैक्टर हो गए माइनस वन इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई डी पार्ट फाइव एक्स वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर वाई इसमें टू टर्म्स है फाइव एक्स वाई स्क्वायर सेवन एक्स स्क्वायर वाई अब फर्स्ट टर्म के फैक्टर करेंगे फाइव एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर के फिर फैक्टर हो सकते हैं वाई इंटू वाई इसी टाइप से टर्म के फैक्टर करेंगे 7, X square, y, X के फिर होंगे एक्स इंटू एक्स ई पार्ट माइनस ए बी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर इसमें थ्री टर्म्स हैं माइनस ए बी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस ए बी के फैक्टर करेंगे माइनस वन ए बी टू बी स्क्वायर के फैक्टर करेंगे टू बी स्क्वायर बी स्क्वायर के फैक्टर हो सकते हैं बी टू बी माइनस थ्री ए स्क्वायर के फैक्टर करेंगे माइनस थ्री ए स्क्वायर ए स्क्वायर के फैक्टर हो सकते हैं ए इंटू ए तो ये टी डायग्राम है टी डायग्राम का यूज करते हुए फैक्टर किए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिव इन क्वेश्चन में टर्म्स फाइंड करने हैं और फैक्टर्स भी करने हैं टेबल बनाएंगे इसके लिए टर्म्स लिखेंगे या फैक्टर्स लिखेंगे माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इसमें टू टर्म्स हैं माइनस फोर एक्स एंड फाइव माइनस फोर एक्स के फैक्टर करेंगे माइनस फोर एंड एक्स जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर एक्स आएगा और फाइव के फैक्टर फाइव ही रहेंगे ये कांस्टेंट है पी पार माइनस फोर एक्स प्लस फाइव बाई इसमें टू टर्म्स है माइनस फोर एक्स एंड फाइव बाई तो माइनस फोर एंड एक्स हो जाएगा फाइव बाई के फैक्टर हो जाएंगे फाइव एंड बाई सी पार्ट फाइव बाई प्लस थ्री बाई स्क्वायर इसमें टू टर्म्स हैं बाई 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 एंड स्क्वायर के फैक्टर करेंगे फाइव एंड बाई थ्री बाई स्क्वायर के फैक्टर करेंगे थ्री वाई एंड वाई क्योंकि थ्री वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई तो इसके फैक्टर हो जाएंगे थ्री कॉमा वाई इंटू कोमाई एक्सप्रेशन लिखेंगे टर्म्स एंड फैक्टर्स डी पार्ट एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें टू टर्म्स है एक्स वाई एक्स वाई के फैक्टर हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई सेकेंड टर्म्स है टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके फैक्टर हो जाएंगे टू x, एक्स y, एक्स वाई वाई पार्ट पी क्यू प्लस क्यू इसमें भी टू टर्म्स है पी क्यू पी क्यू के फैक्टर हो जाएंगे पी एंड क्यू 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 के फैक्टर क्यू है एफ पार्ट वन पॉइंट टू ए बी माइनस टू पॉइंट फोर बी प्लस थ्री पॉइंट सिक्स ए इसमें थ्री टर्म्स हैं वन पॉइंट टू ए बी इसके फैक्टर है माइनस टू पॉइंट फोर बी इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस टू पॉइंट फोर बी तीसरा है थ्री पॉइंट सिक्स ए इसके फैक्टर हो जाएंगे थ्री पॉइंट सिक्स कोमा ए जी पार्ट थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर इसमें टर्म्स है थ्री अपॉन फोर एक्स इसके फैक्टर हो जाएंगे थ्री अपॉइन फोर कॉमा एक्स दूसरा टर्म्स है वन अपॉन फोर इसका फैक्टर हो जाएगा वन अपॉइंट फोर एच पार्ट जीरो पॉइंट वन पी स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट टू क्यू स्क्वायर इसमें टू टर्म्स है जीरो पॉइंट वन पी स्क्वायर इसके फैक्टर हो जाएंगे जीरो पॉइंट वन कॉमापी कोमापी जीरो पॉइंट टू क्यू हो जाएंगे जीरो पॉइंट टू कॉम क्यू इस टाइप से फैक्टर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन को के सभी टर्म्स के हमें कोफिशिएंट लिखने हैं सबसे पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन टर्म्स कोफिशेंट फर्स्ट पार्ट फाइव माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि माइनस थ्री टी स्क्वायर लेंगे टर्म्स का जब भी हम कोफिशेंट निकालते हैं तो साइन सहित लेंगे साइन सहित लेंगे और वेरिएबल को छोड़ देंगे और कांस्टेंट को लेंगे जैसे माइनस थ्री टी स्क्वायर है तो टी को छोड़ देंगे और माइनस इसका कोफिसेंट हो जाएगा

एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई इसमें थ्री टर्म्स हैं, एक्स टू एक्स वाई थ्री वाई एक्स का हो जाएगा वन, टू एक्स वाई का काफिशेंट हो जाएगा टू थ्री वाई का कोफिसेंट हो जाएगा थ्री एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड फोर्थ पार्ट, हंड्रेड एम प्लस वन थाउजेंड टेन इसमें टू टर्म्स हैं हंड्रेड एम हंड्रेड एम का हो हंड्रेड वन थाउजेंड एन वन थाउजेंड एन काफिशेंट हो जाएगा वन थाउजेंड फिफ पार्ट माइनस पी स्क्वायर की स्क्वायर प्लस सेवन पी क्यू इसमें टू टर्म्स हैं माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसका कोफिशेंट हो जाएगा माइनस वन पी स्क्वायर की स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्र माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस वन इंट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्र क्यू स्क्वायर काफिशेंट माइनस वन हो गया सेवन पी क्यू इसका कोफिशिएंट हो जाएगा सेवन सिक्स पार्ट, वन पॉइंट टू ए प्लस जीरो पॉइंट एट बी वन पॉइंट टू ए इसका कोफिशिएंट हो जाएगा वन पॉइंट टू जीरो पॉइंट एट बी इसका कोफिशिएंट हो जाएगा जीरो पॉइंट एट एक्सप्रेशंस टर्म्स एंड कोफिशेंट सेवेंथ पार्ट थ्री पॉइंट वन फोर आर स्क्वायर इसमें एक ही टर्म है इसका कोफिसंट हो जाएगा थ्री पॉइंट वन फोर एर्थ पार्ट टू इन टू एल प्लस बी टू को मल्टीप्लाई एल में करेंगे और टू का मल्टीप्लाई टू बी में करेंगे ये हो जाएगा टू एल प्लस टू बी इसमें टू टर्म्स हो गए टू एल एंड टू बी का टू होगा, 2B का भी टू होगा। .01Y square, इसमें हो दूसरा टर्म्स है जीरो पॉइंट जीरो स्क्वायर इसका कोफिस जीरो पॉइंट जीरो से कोफिसेंट निकाल सकते हैं आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे